देखिए, न्यूरोथेरापी एक इंडियन साइंस है और हमारा पहले लोहे का व्यापार था। उस व्यापार में पैसे तो बहुत थे, लेकिन जो आत्म शांति होती है ना, वो मुझे न्यूरोथेरापी में मिली। एक असाध्य रोगों का इलाज करना और रोगियों को बिना दवाई के ठीक करना, जब मैंने इस ट्रीटमेंट को देखा तो मैंने इसकी तरफ मेरा झुकाव बढ़ा और इसमें जो मुझे शांति मिलती थी वो मुझे बहुत ही मतलब आनंद देने लायक चीज थी। इसीलिए मैं इस थेरेपी की तरफ आया। और इस थेरेपी में सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोग दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं और इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थेरेपी और बहुत एडवांस थेरेपी है। न्यूरोथेरेपी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। इसका मुख्य कारण है कि इस थेरेपी में न तो किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता होती है, न इसमें शल्य क्रिया की आवश्यकता होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि न इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। चौथी बात, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार का है, गरीब लोग जो रहते हैं उन लोगों को भी इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आसानी से सुविधा मिल सकती है, उनकी चिकित्सा की जा सकती है, क्योंकि उसमें लागत बहुत कम है। इसके अतिरिक्त और जो सबसे बड़ी विशेष बात है कि इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम प्रकृति की ओर लौटते हैं। वो कैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसका रस जो बनता है, यदि वो रस ठीक प्रकार से हमारे अंगों में नहीं पहुंचता है तो हमें बीमारी हो जाती है। उसका निदान करने के लिए किस प्रकार के पॉइंट्स को दबाया जाए, प्रेशराइज किया जाए, जिससे वो खाने का जो रस बनता है वो उचित पार्ट में पहुंच सके। जो रक्त प्रवाह होता है, यदि रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर में लकवा या अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो पैदा हो जाती है। लेकिन न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबा करके जहाँ ठीक से रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है वो रक्त प्रवाह भी ठीक से हो जाए। तो इस प्रकार से हम वापस अपनी प्रकृति की ओर लौट जाते हैं और हमारा निदान हो जाता है। ये इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है जो अन्य में देखने को हमें नहीं मिलती। आपने इस चिकित्सा को मिशन के तौर पर क्यों चुना? देखिए, मतलब मेरा कहना यह है कि न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, वो आप सभी को माध्यम से लोगों को पता लग जाएगा। न्यूरोथेरेपी की अवेयरनेस इसीलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज इसके सेंटर्स कम अवेलेबल है। सो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं कुछ लोगों को सिखा सकूं, उनको मैं आर्थिक तौर पर भी हेल्प कर पाऊंगा क्योंकि एक तरह से उनको एक प्रोफेशनली एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा जो आज की तारीख में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक 29 इयर्स का हूँ और भी लोग हैं अन्य जो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे उनके कामों में। सो उनको मैं ये सिखा के चिकित्सा से आगे उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो हम फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। और ऐसी कौन सी लाइलाज बीमारी है जिन्हें की बजाय चिकित्सा के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है? देखिए, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। यदि आप देखेंगे कि बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो है स्टमक। जैसे ही हमारा स्टमक अपसेट होता है तो स्टमक में हमारे बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स बनते हैं, वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनकी वजह से हमारे स्टमक में गड़बड़ी के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे ब्लड में पीएच लेवल में गड़बड़ी हो गई, एसिड अल्कलाइन डिस्टर्ब हो गया, वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और हमारे कोई ग्लैंड को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, वो ग्लैंड्स का फंक्शन स्लो या फास्ट हो जाता है, वो भी काफ़ी हमें तकलीफ़ देता है। और यदि हमें इसमें काफ़ी तकलीफें होती हैं और एसिड अल्कलाइन को सेट करने के लिए ये थेरेपी बहुत अच्छी है। विदाउट मेडिसिन हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें जो बीमारियां हैं जैसे स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद
एपिलेप्सी है, फिट्स है, उसके बाद में अंजाइना अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, सीपी चाइल्ड है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है वर्टिगो में, और कानों से जिसे सुनाई नहीं दे रहा है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, ऐसी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिसमें न्यूरोथेरेपी के हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। न्यूरोथेरेपी का अभी तक इसमें बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं हुआ है, ये टोटली इंडियन थेरेपी है, इसलिए इस थेरेपी का अभी तक इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। उसकी बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं हैं जो इसको सीख करके और आगे बढ़ें। आज एक एजुकेटेड लोग काफ़ी दूसरे जो पेशे हैं जैसे MBBS है, HMBS है, ये सब सारी डिजीज में सारे इसमें ज़्यादा उस तरफ झुकाव रहता है उनका, लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिले या इस थेरेपी को नेचुरोपैथी के साथ जोड़ करके काफ़ी अच्छा आगे प्रोत्साहन मिले, सरकारी कोई सहायता मिले, तो इस थेरेपी में काफ़ी हेल्प होगी। अगर बात करें चिकित्सा की तो इसके पीछे आपकी क्या योजना है इसको आगे बढ़ाने की? इस थेरेपी को हम देश विदेश में पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें हमने काफ़ी फ्री कैंप्स, फ्री ट्रेनिंग कैंप्स, फ्री ट्रीटमेंट सेंटर्स खोले हैं, और अभी रिसेंटली हमारा टाई अप जो है, हमारी काफ़ी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, और हमारी कुछ संस्थाओं ने जैसे LMIT RTI है और भी कई संस्थाएं जिन्होंने हरियाणा में और गुजरात में अहमदाबाद में दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, और इसे काफ़ी अच्छी मान्यता वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर उसमें आगे एडवांस कोर्स करने के लिए सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से ऑथराइज मिल रहे हैं। देखिए हमारे देश में अभी सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि युवकों को रोजगार कैसे मिले। अभी जो रोजगार के अवसर हैं वो जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आज के कुछ वर्षों पहले पेकर्स और मूवर्स नाम के रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो भ्रमणशील जो है हमारा जो डेवलपमेंट है उस तरफ भी हमारा बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं था, क्योंकि लोगों को घूमने की आदत वगैरह नहीं थी। लेकिन आज देखिएगा कि जगह जगह पर होटल खुल गए हैं, इसके पीछे कारण क्यों, पर्यटकों का विकास हुआ है। तो इसी प्रकार से अब तक क्या है कि न्यूरोथेरेपी में ट्रेन डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि इसकी तरफ जागरूकता नहीं है। लेकिन यदि हम ट्रेंड पर्सोनेल तैयार करेंगे तो उनको रोजगार का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि पेशेंट्स की जो संख्या है वो इतनी बढ़ रही है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने सर्वे किया था कि आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, किसी छोटे गांव में चले जाइए, जितने रुपए का अनाज नहीं बिकता है उससे ज़्यादा पैसे की मेडिसिन बिक रही है। तो क्यों बिक रही है? क्योंकि बीमारियाँ बहुत हो गई हैं। आज हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध नहीं, दही शुद्ध नहीं है। तो जब ये चीज़ें शुद्ध नहीं हैं तो हमको शुद्ध के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा, और यदि अशुद्धता है खान पान में, दवाइयों में, इनमें उनमें, तो उससे जो बीमारियां पैदा होती है उससे लड़ने के लिए हमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और यदि हम युवकों को ट्रेन करेंगे तो वो गाँव में, छोटे कस्बों में, शहरों में जाकर के अपने केंद्र खोल सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और कम पैसे में लोगों को चिकित्सा दे सकते हैं। तो इस तरह से रोजगार के काफी अवसर बढ़ेंगे और ट्रेंड पर्सोनल के माध्यम से लोगों को अच्छा इलाज भी मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। इसका ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और कई लोगों में, कई गाँव में, कई शहरों में, आज भारतवर्ष के हर एरियाज में
अगर आप जहाँ भी जाएंगे आपको न्यूरोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे। आप शहर का नाम लीजिए आपको वहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट मिलेगा, किंतु जितने चाहिए उतने न्यूरोथेरेपिस्ट है नहीं। और जितनी लोगों के अंदर में जागरूकता है वो अभी न्यूरोथेरेपी के प्रति कम है। हमारा प्रयास और हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य एक ही है कि इस न्यूरोथेरेपी को हम गांव-गांव, शहर-शहर और हर जगह पहुंचाएं। आज पंजाब के अंदर में जिस शहर में जाइएगा उस शहर के अंदर आपको न्यूरोथेरेपी मिलेगी। आज गुजरात, आज मुंबई, आज दूसरी जगह, कम से कम हमारे मुंबई में 10-15 रिनाउंड न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और वे सब अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हम अधिकतर सेवाएं अपने सेंटर्स में देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी किसी को ज़्यादा कि वो सेंटर नहीं आ सकता है तो उसके लिए न्यूरोथेरेपिस्ट बहुत कम चार्जेस के अंदर में उनके घर में जाके बराबर सेवाएं देते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ये कांस्टेंट एंड एवरीडे एंड रेगुलरली लेना पड़ता है, हाँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको पर्टिकुलरली पर्टिकुलर वेंस को पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर डायग्नोसिस करके दबाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, परंतु ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। लोग अच्छा उसमें रोजगार पा रहे हैं और बड़ी तरक्की धीरे धीरे कर रहे हैं और ये अब धीरे धीरे फैल रही है। हम इसको और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से जो हमारे 3 सेंटर्स खोलने जा रहे हैं मुंबई में, वहाँ पर हम लोग इन्हीं लोगों को, नए जो जागरूक लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वो सीखें और सीख के, निःशुल्क हम करवा रहे हैं, सीखें और सीख के उनको सर्टिफिकेट देंगे एंड फिर उनको वो चिकित्सा दूसरे लोगों को न्यूरोथेरेपी की दे सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। रोजगार के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी इनकम भी है और मान मर्यादा भी है और ये एक रिस्पेक्टेड जॉब है और ये हर एक इंडिविजुअली इंसान का फर्ज बनता है कि वो खुद भी हेल्दी रहे और समाज को भी हेल्दी रखे। तो न्यूरोथेरेपी इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है और विदाउट मेडिसिन यदि आप सोचेंगे तो इसका क्या खर्च आना है। बिना मेडिसिन के आप लोगों को ठीक कर रहे हैं और कुदरत की तरफ लेके जा रहे हैं और नेचुरली आप उनको ठीक करें। हमारे थेरेपी में ये मानना है कि आपके शरीर में ही सारी दवाइयाँ बनती है और हर दवाई शरीर में 2 जगह बनती है। तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम हमारे ही शरीर में हमारे ही केमिकल्स और दवाइयाँ बना करके हम हमारे ही शरीर को ठीक कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे आने वाले 25 साल अभी देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर का ही समय आने वाला है। तो इसमें जो भी इस रोज़गार की तरफ आएगा वो उसके लिए बहुत अच्छी स्किल के डेवलपमेंट के इसमें चांसेस हैं। अच्छा, जी ठीक है। सो जैसे ना एक कारण इसका ये है कि हाफ नॉलेज, अगर कोई आदमी किसी को पूछता है आज की तारीख में, जैसे आपको कोई आके पूछे कि मुझे गर्दन का दर्द है, सो तुरंत एक आदमी का आंसर आ जाता है आप तकिया लेना बंद कर दीजिए। मतलब आज की तारीख में सबको ये लगता है, बट गर्दन का दर्द के जो प्रक्रिया है उसमें जितने टाइप्स है वो किसी को नहीं पता। पता है डॉक्टर्स को, बट जो हम कह देते किसी को, सो होता क्या, एक सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस ये एक अलग चीज़ है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस अलग चीज़ है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलिस्थेसिस एक अलग चीज़ है। इस प्रकार से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे पूरा ही सिखाया जाता। सो हम किसी को अगर ट्रेनिंग देंगे तो हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसे हाफ नॉलेज ना हो। अगर वो पूरी तरह से जानकार होगा तो उसका इलाज करने का तरीका भी एकदम सही होगा। मतलब वो जो क्वेश्चन है आपका, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो थेरेपी, हम अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हम एक न्यूरोथेरेपिस्ट। डॉक्टर की जो डिग्रीज होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एक अलग चीज़ होती है, जो हमारी डिग्रीज है वो नेचुरोपैथी के अंडर आती है। अगर बच्चा चाहे या जो भी चाहे वो आगे एजुकेशन लेके और वो एक डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर सकते। मतलब आपके यहां से जो सीख के जाएंगे और ना क्लिनिक खोलना चाहेंगे। हाँ जी, सो वो क्लिनिक खोल सकते। नहीं, वो अब नहीं, नहीं। अब यूनिवर्सिटी भी दे रही है, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जो है ना वो डिग्री अवार्ड करेगी। और इस चिकित्सा पद्धति को देखिए, जैसे किताब आई है डॉक्टर साहब की लिखी हुई, ये अपने आप में एक विज्ञान है। इसको हम हवा में नहीं कह सकते कि झोला छाप डॉक्टर्स की तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है कि किस अंग को प्रेशराइज करने से ये रक्त प्रवाह ठीक होगा। तो पहले रोगी का अध्ययन किया जाता है कि इसको किस प्रकार की बीमारी है और उसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है। गलत अंग को दबाने से नुकसान हो सकता है, आप समझ रहे बात को। तो इसलिए जो स्किल्ड डॉक्टर्स हैं वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं
और यही ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। तो ये प्योर साइंस है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। ट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है और धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज, आप देखिएगा पहले हमारे यहाँ बही खाता चलता था, अब बही खाते बंद हो गए। क्यों? कि कंप्यूटर आ गया, बहुत सी कारें जो आप देखिए वो बंद हो गई, बहुत सी घड़ियाँ बंद हो गई, टाइपराइटर बंद हो गया। क्यों? कि लैपटॉप आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे ये साइंस डेवलप हो रही है और डेवलपिंग स्टेज में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अपने आप में एक विज्ञान है और इसे जो ट्रेनिंग मिलेगी, इसे जो चिकित्सा होगी वो स्थायी रूप से होगी। डायग्नोसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द न्यूरोथेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डायग्नोस दैट व्हाट इज द डिसीज। फॉर दैट वी टेक द हेल्प ऑफ द एलोपैथी, देयर रिपोर्ट एंड अदर थिंग, एंड बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। केंद्र सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो इस थेरेपी को रिकॉग्नाइज करें, हमारे रिसर्च में वो हमें हेल्प करें, और हमें यदि एक जगह पर हमें कोई जगह दी जाए, हमें कोई लैंड दी जाए जिसमें हम हमारे थेरेपी सेंटर्स बना सकें, जहाँ रिसर्च कर सकें, और हमें रिसर्च के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो हमें इसमें हेल्प देते हैं और इसकी अवेयरनेस में हमारी हेल्प करते हैं, और हमारे जो थेरेपिस्ट हैं इनको कोई एक डिग्री या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी देते हैं, तो उससे काफ़ी बड़ी हेल्प होगी। आज इंडियन गवर्नमेंट के अलावा हम फॉरेन में भी इसके ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लंदन में हमारे एक थेरेपिस्ट हैं अनिल शर्मा जी, वो एवरी सैटरडे को वहाँ पे लंदन टीवी पे शाम को 7:30 बजे उनका एक लाइव प्रोग्राम आता है जिसमें वो न्यूरोथेरेपी के ऊपर काफ़ी कुछ सिखाते हैं, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देते हैं। तो अगर विदेश में इस थेरेपी को इतना प्रचलित किया गया है और वहाँ के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की इसमें हमें हेल्प चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगी तो ये हमारी इंडियन थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से पनपेगी और हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा इसका फ्यूचर भी है। थैंक यू। हमारे पास कई विदेशों के पेशेंट आते हैं, अमेरिका से पेशेंट आते हैं, लंदन से पेशेंट आते हैं, ये मिडिल ईस्ट से कई पेशेंट्स आते हैं और वो दूसरे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और वो आके 5-5 दिन 7-7 दिन 5 सितारा होटल के अंदर में रहते हैं, ट्रीटमेंट लेके जाते हैं और ऐसी लाभ इलाज बीमारियों का उनका इलाज हुआ है, वो ठीक हुए हैं, तो वो दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बट द प्रोग्रेस ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज इज़ वेरी स्लो, दैट आई कैन से, बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट डायरेक्शन एंड वी आर वर्किंग इन दैट। थैंक यू। और दीदा जी आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस ब्यूटीफुल वेंचर के लिए। और मैं अभी इतना ही कह सकती हूँ कि मैं अपने घर के मुख्य सदस्यों को देखती हूँ इनके अंडर ट्रीटमेंट लेते हुए और इतने खुश हैं कि हमारी जो दीदा जी से मुलाकात तो रोज़ होती है, तो आप समझ ही जाइए कि कितना अच्छा उनका जो थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी जो कराते हैं। मैं सूरज यानी जूनियर दीदार जी के अभी मैं फर्स्ट क्लाइंट होने वाली हूँ ऑन संडे, मुझे ऑलरेडी बोल रखा है, मैं भी अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराऊंगी, ये मेरा वर्ड है। बट ऑल द बेस्ट आपको अपने वेंचर के लिए और थैंक यू आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उनका उनके जो पेशेंट्स के प्रॉब्लम हैं वो एकदम पेशेंटली सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उनको होलिस्टिकली ट्रीट करने के लिए, विच इज एन अमेजिंग एटीट्यूड एंड द फीलिंग इमोट्स दैट फीलिंग अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट्स। ही इज वेरी वेरी ट्रू टू हिज एंड वेरी डेडिकेटेड टू हिज यहाँ पर भगवद गीता से एक श्लोक का आपको उल्लेख करती हूँ।
थर्ड चैप्टर में 11, 12 और 13 ये श्लोक हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कोई यज्ञ करते हो उस यज्ञ का धुआं ऊपर देवताओं के पास जाता है, देवता उसको ग्रहण करते हैं और आपको प्रसाद देते हैं। अगर आप ये प्रसाद अकेले खाते हैं तो आप चोर हैं। अब मैंने सोचा है कि ये तो गलत बात नहीं है क्या, प्रसाद मुझे मिला और मैं चोर कैसे बन गई, अब मैं बांटती फिरूं ये कैसे होगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि आप देखो क्या करना चाहते हो, सर्टिफिकेट को रख देंगे या दीवार पर लगा देंगे और बस हो गया काम। नहीं मैंने कहा नहीं नहीं मैं मुझे तो पढ़ाना है, मैं पहले से बोल रही हूँ आपको कि मुझे पढ़ाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। बोलते तो यही तो है प्रसाद, इसका वितरण यानी शिक्षा देना यही सबसे बड़ी बात। तो एक लक्ष्य मिल गया मेरे पिताजी से, जो कुछ मैंने सीखा आचार्य जी लाल बसंत जी से, वो आगे कैसे बढ़ाना है और जहाँ भी कोई मिले उसको ये पकड़ के सिखाओ। अभी आप बोल रहे थे ना मुझे सीखना है, तो मैंने कहा इट इज नेवर टू लेट, अभी भी आ जाइए। बहुत अच्छी थी भाई, लाजमी है कि भूमिका से आज हम लोग सब मतलब पता चल रहा है कि कौन क्या है। मैं अपने विषय में तो कम कहूंगा, खास करके ये बताऊंगा कि ये प्रोग्राम किस विषय में रखा गया है। और मैं दीदी का और पोदारी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने दीदार सिंह जी को एक ऐसा मुकाम खड़ा किया इनके लिए और ऐसा मुकाम के लिए इनको तैयार किया हुआ है। विनोद जी ने मलाड में इनको बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट दे रखी है, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है इनका, वहाँ पे थेरेपी होती है। और दीदी ने ये प्रॉमिस किया है कि भाई आदिवासन में संडे के संडे यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट तो होगा मगर सिखाया भी जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे यहाँ बिना दवाइयों के इलाज कभी होता नहीं था, पहली मरतबा ये थेरेपी का मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ क्योंकि दीदी ये सुनने वाली बात है। ये बात है आज से 15-16 साल पहले जब मैं चल नहीं सकता था, मैं बीच में थोड़ा सा डगमगा गया था 2005-2006 में, तो मैं चल नहीं सकता था तो बहुत ही मुश्किल से चलना आता था। तो मैं एक प्रोड्यूसर के यहाँ मिलने गया उससे, तो वहाँ मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, अब बड़ी हालत खस्ता सी थी, दुबला पतला सा दिख रहा वहाँ पे, ये एकदम बच्चे की तरह बैठे हुए जैसे आज सूरज है ये बैठे हुए वहाँ उस आदमी से प्रोड्यूसर से बातचीत कर रहे, उनके साथ कुछ करना कोलेब्रेशन में कुछ करना चाहते थे। अरे बार बार मुझे देखे, जब मैं चलूँ या देखूँ तो ये सोचे कि यार इस आदमी मेरे को तकलीफ बहुत है। तो उससे पूछा प्रोड्यूसर से जिनका नाम है राजकुमार जी, तो बोला यार ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है, अरे इसको क्या तकलीफ क्या। बोले यार ये तो पता नहीं मगर आदमी बहुत बड़ा है, बोले ये बहुत बड़ा संगीतकार है। बोले क्या नाम है इसका, बोले दिलीप सैन समीर सैन। अरे बोले मैं तो इसका फैन हूँ, बोले इसके गाने सारे सुने, तो इसको प्रॉब्लम क्या है। बोले ये तो इसको भी बेचारे को पता नहीं है क्योंकि वो जो स्पोंडल लाइट थी शोल्डर फ्रोजन था वो दवाइयों से ठीक होता नहीं, अरे मेरे को दर्द होता था मैं गोली ले लेता दर्द की, तो इतना परेशान था कि मेरे हाथ इससे ऊपर नहीं उठते थे। तो इन्होंने उसी वक्त उससे कहा कि भाई मैं इसको तो ठीक कर दूंगा एक हफ्ते में। तो इन्होंने उस वक्त कोई पाउडर वगैरह मंगाया मेरे यहाँ नस के ऊपर थोड़ा सा मसाज किया, तो ये जो हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा था थोड़ा सा क्यों हुआ। उसके बाद आप यकीन मानिए इनके मुंह की तारीफ नहीं, बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने कहा अच्छा आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, मैं आपके यहाँ आऊंगा। और इन्होंने 15 दिन में मुझे चलने जैसा बना दिया, मेरा हाथ ऊपर खा दिया। मेरी बड़ी बहन प्रेम बैठी हुई है, उद्धार साहब हैं मेरे बड़े भाई, भारतवर्ष के मायानाज संगीतकार दिलीप सेन जी बैठे हैं, और उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं डॉक्टर दीदार सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत प्यार से बुलाया है और
बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया काम वो इस वक्त कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी का मारा हुआ मैं भी हूँ, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 दिन दीदार जी मुझे भी लताड़ने आते हैं, और बहुत बहुत सारा फर्क है मेरी सेहत के ऊपर। बहुत अच्छा उनका जो इलाज है वो काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सारी दुनिया को ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया ये थेरेपी है। इसके जो गुण है वो सबको मिल रहे हैं, सब जगह से उनकी वाह वाह हो रही है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का, ये वैसे मेरे सीनियर है दीदार सिंह जी, गए 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत बढ़िया डॉक्टर है न्यूरोथेरेपी के, हम एक दोनों साथ मिल के काम करते हैं। अगर हाँ जी, मेरा नाम सुधाकर मनोहर अरोलकर है, मैं सिंस 1995 से न्यूरोथेरेपी गुरुजी के पास प्रैक्टिस कर रहा था। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ये हमारी गुरुजी है, ये मेरे सीनियर है दीदार सिंह साहब। दीदार सिंह साहब जी है आज गए 40 साल से ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके बहुत सारे एक्सपीरियंस है, गिने जाओ तो पूरी रात कम गिरेगी। और हमारे न्यूरोथेरेपी में इतने सारे रिकॉर्ड्स किए गए हैं कि कहना आप बोलना बड़ा मुश्किल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो 2 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के पेशेंट के पैरालिसिस भी ठीक होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को हमारे न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बाबा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मनोहर दीक्षित के हाथों से सम्मानित किया था 2006 में मुझे नेशनल अवार्ड से, जिसका बीमारी का नाम था सिस्टमिक क्लोरोसिस पेरिफेरल वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये केस था पैनाक अनुराधा पैनाक करके पेशेंट थे, और उनको कहा गया था कि आपकी लाइफ बहुत कम है, 1 महीने से अंदर की लाइफ है। पर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा इनकी न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से वो 13 साल जिंदा रहे। क्लास चल रही हूँ, सब ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो फिजियोथेरेपी जो करनी थी वो तो करी, फिर उसके बाद हमने सूरज को ही बुलाया और अभी भी सूरज उनको हेल्प कर रहा है। और सूरज एक बहुत अच्छा ईमानदार बच्चा है और ये ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा और बहुत लोगों की मदद करेगा। तो जो भी न्यूरोथेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको ये बताऊंगी कि न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छा स्किल है, एक बहुत अच्छा इलाज है, और उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बारे में ये मत सोचो कि नहीं दवाई नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंसड इट। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं दीदार भाई साहब की तो बहुत इज्जत करती हूँ, वो तो बहुत मदद भी करते हैं लोगों की, गुरुद्वारे में जाके सेवा भी करते हैं, लेकिन इस बात को बहुत हमको ये जो स्किल ये लोग चाहते हैं कि लोग सीखें, उन लोगों को सीखना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट है। बस इन्हीं का आशीर्वाद है, इनकी वजह से हम चल रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि लोग आए, इससे जुड़े, सीखे। जितने ज़्यादा अच्छे थेरेपिस्ट हो गए उतने लोगों का हम इलाज कर पाएंगे। और ये अब यहाँ पे जो संडे टू संडे हमने स्टार्ट किया है वो 1:00 to 3:00 तक फ्री सेवा है, जिसमें आप आके ट्रीटमेंट ले भी सकते हो और आप ट्रीटमेंट सीख भी सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ यही बोलेंगे, मुझे बोलना नहीं। जी जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में आपके बारे में बताइए, कैसे आप से मिले और कैसे क्या कुछ हुआ? जी 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 जी, मेरा नाम संतोष रखमे है। जी जी, मेरा बच्चे का नाम, बच्चे का उसको फीट आती थी बहुत सारी, तो मैं 3 साल से ये इलाज करा रहे हैं वाड़िया में, तो लेकिन वहाँ आराम नहीं लगा मेरी बच्ची को, तो एक जन ने यहाँ दीदार साहब के यहाँ भेजे हमको, तो 15 दिन में ही मेरी बच्ची बहुत अच्छी हो गई।
कैसे मुलाकात हुआ सर से, कैसे पता चला आपके सर के बारे में? जी जो ये जहाँ ये काम करते हैं ना, इनके पास आए थे वो सर ने एड्रेस दिया, फिर हम इधर आए। क्या हुआ था बच्चे को? इनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी इस बच्चे को, और उसकी वजह से इसके ब्रेन की भी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बच्ची बैठ नहीं सकती थी और बोलना अभी तक इसका शुरू नहीं हुआ है, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। इसको काफ़ी मतलब ब्रेन के इम्पल्स इसके ठीक नहीं थे। दिन में 5 से 6 फिट्स इसको एपिलेप्सी के अटैक्स इनको कंटिन्यू आ रहे थे। अभी 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये आपको बताएंगे कि अभी इनको क्या पोजीशन है। मतलब वाड़िया में सिर्फ दवाई, बाकी कुछ नहीं। 8 दिन एडमिट किया था, उसमें भी कुछ नहीं। मतलब दिन में तीन चार बार मेरी बच्ची को मतलब पूरे बदन में फिट आता था, और उसको खुद को पता नहीं चलता था उसको क्या हो रहा है। वो खेलने लगती थी खाली, बस पसीने आते थे हाथ में, और बाद में बस वो रहता था आधा घंटा एक घंटा, जैसे 10-15 मिनट। अभी तो दीदार सर के यहाँ हाँ एकदम धड़कन तबीयत उसका सीरियस था, धड़कन फास्ट हो जाती थी। थोड़ा खड़ी भी हो जाती है जी, और बैठ भी अपने आप सकती है, और 15 दिन में इसको काफ़ी इसमें बैलेंस आने लग गया, और एपिलेप्सी में काफ़ी चेंजेस हो गए। जी जी, क्या कितना क्योर हो गया, किस तरह से अभी इसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अभी नहीं हुई है। इसको 1 साल के बाद में ये बच्ची के ऊपर हम लोग और भी अभी इसके ऊपर हमारी R&D चल रही है, इस बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट एपिलेप्सी में नो डाउट न्यूरोथेरेपी बहुत यूजफुल है। थैंक यू।